नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। मैंने बहुत बार कहा है कि टैक्ट इज इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। बहुत बार आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन अपनी बात को सही से कह नहीं पाते और सामने वाले को लगता है शायद आप कम जानते हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कम जानते हैं लेकिन अपनी बात को सही से प्रेजेंट कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कुछ जानते हैं। इसका मतलब अगर आपने अपनी बात को टैक्टफुली प्रेजेंट कर दिया तो आप टैलेंटेड दिखाई देते हो। और इस वीडियो में मुझे एक बार फिर ये मौका मिला है कि मैं अपनी इस बात को प्रूव कर पाऊं कि टैक्ट इज इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। एंड साथ में आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह अपने टैक्ट को यूज करना है। और आज का टैक्ट है इंग्लिश बोलते समय फिलर वर्ड्स को यूज करना। क्योंकि अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सोचना पड़ता है और उस टाइम को आप टैक्टफुली फिलर वर्ड्स से या फिर फिलर फ्रेजेस से फिल कर सकते हैं। इंस्टेड आप छत पर देखना शुरू कर दें या फिर दाढ़ी खुजलानी शुरू कर दें या फिर सिर खुजलाना शुरू कर दें। एक इंग्लिश में कॉन्फिडेंट एक फ्लुएंट पर्सन को आपने क्वेश्चन किया, हाउ वाज द मूवी बजरंगी भाईजान? उसने रिप्लाई किया, इट वाज नाइस। हुआ क्या था? उसने क्यों बोला? क्योंकि उसने और भी मूवीज देखी होंगी और उसे टाइम चाहिए था सोचने के लिए कि क्या बताऊं कि बजरंगी भाईजान उसे कैसी लगी, या फिर वो सोचना चाहता था कि बजरंगी भाईजान के बारे में क्या कमेंट करूं। तो ही यूज्ड बस यही है जहां पर आपने टैक्टफुली फिलर वर्ड का यूज करना है, या कह लो फिर इन गैप को फिल करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो वर्ड्स फिलर वर्ड्स हैं या फिर गैप वर्ड्स हैं। फिलर वर्ड्स को यूज करना कोई बुरा नहीं है अगर आप डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फिलर वर्ड्स यूज करते हो, यानी आपको कोई एक ही फिलर वर्ड बोलने की कोई आदत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलने की आदत है यू नो, और अगर आप हर सिचुएशन में बार बार यू नो यू नो यू नो बोलोगे तो ये बोरिंग हो जाएगा। व्हाई नॉट ज्यादा से ज्यादा फिलर वर्ड सीख लिए जाए ताकि आपको कोई बात करने से पहले, रिप्लाई करने से पहले जो सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए वहां पर आप चुप ना करो, मम ना रहो, ना बोलना पड़े और ना ही छत की ओर देखना पड़े और ना ही सिर खुजलाना पड़े। शुरू में इन फिलर वर्ड्स का यूज थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगा और उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट हो जाएगी। अब फर्स्ट एग्जांपल कोई लेते हैं, हाउ वाज द मूवी बजरंगी भाईजान, और आपको सोचना है कि यहां पर क्या बोलूं, और यहां पर आप वेल यूज कर सकते हैं, वेल इट वाज एक्सीलेंट। इवन जैसे लिखने के समय हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, ऐसे ही बोलने के समय जब आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हो, दूसरे पैराग्राफ पर जाते हो, तो आप वहां पर भी वेल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वीडियो में कॉन्टेंट कंप्लीट कर दिया, अब वीडियो को क्लोज करना है, तो मैं बोल सकता हूं, रादर बोलता ही हूं, वेल दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको अच्छा लिसनर बनने के लिए भी ऐसे गैप फिलर्स को यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, आप बार बार यस 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 बोलने की जगह एग्जैक्टली वर्ड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, टेल मी समथिंग, ये एक ऐसा फिलर फ्रेज है जो आपको अटपटे से क्वेश्चंस पूछने से पहले काम आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस
जो आपको लगता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल हैं, पूछने चाहिए कि नहीं, बट आप पूछना चाहते हो तो फिर ऐसे फ्रेज का यूज टेल मी समथिंग आपकी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस देगा, आपकी फ्लुएंसी में कॉन्फिडेंस देगा और आपकी बात में, आपकी कन्वर्सेशन में कंटिन्यूटी। टेल मी समथिंग इस फ्रेज को मैंने इफ यू डोंट माइंड इस फ्रेज के साथ रिप्लेस किया है। जब हम ये जानना चाहते हैं कि से आपकी रिंग रियल डायमंड की है या नहीं, तो पूछने से पहले ये बोलना इफ यू डोंट माइंड इस बात की इंडिकेशन है कि आप जानते तो हो कि ये पूछने पर वो माइंड करेगा, फिर भी आप पूछ रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो हे स्वाति टेल मी समथिंग इज इट रियल डायमंड, इस फ्रेज से आपको टाइम मिलता है पूछने के लिए, करेज बनाने के लिए। एक एडवाइस, पर्सनल क्वेश्चंस केवल पर्सनल रिलेशन में या फिर क्लोज रिलेशंस में ही पूछने चाहिए, से योर फ्रेंड्स, योर कजिन्स एटसेट्रा। हे रेनु टेल मी समथिंग इज ही योर बॉयफ्रेंड, हे रितेश टेल मी समथिंग डू यू स्मोक। नेक्स्ट, वाओ, आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं, उसकी ड्रेस की, उसकी परफॉर्मेंस की, उसके हेयर स्टाइल की, उसकी कार की, उसकी हैंडराइटिंग की, आपको वो सब बहुत पसंद आया, ये बहुत पसंद आई, लेकिन आपको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे तारीफ करने के लिए, तो वर्ड्स सोचने में टाइम लगाने की जगह वहां पर इस फिलर वर्ड का यूज कर लीजिए। वाओ, व्हाट ए कार, वाओ नाइस हैंडराइटिंग, वाओ एक्सीलेंट हेयर स्टाइल, वाओ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ वाओ वाओ। नेक्स्ट फिलर फ्रेज, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। अब हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करते समय तो इसका मतलब बनता है कि मुझे ना बताओ, लेकिन एज ए फ्रेज ये यूज होता है एज ए रिएक्शन टू समथिंग सरप्राइजिंग। से आपके किसी दोस्त ने आपको बताया कि उसके बॉस की उसकी वाइफ के साथ नहीं बनती और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके लिए ये सरप्राइज था, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? शायद एक फनी सा जेस्चर, एक अजीब सा फेस, या फिर ओके ओ नो। और यहां पर अगर आप इंप्रेशन देना चाहते हो तो फिलर फ्रेज यूज करो, डोंट टेल मी यू नो प्राइस ऑफ अनियन हैज टच रुपीज 200 अ किलो, डोंट टेल मी इज दिस पेट्रोल विल नॉट बी अवेलेबल इन आवर सिटी, डोंट टेल मी, 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 डोंट टेल मी। नेक्स्ट, यू सी ये गैप फिलर तो आप ऑफ्टन यूज करते हो, आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, यू सी इट विल बी इन इंग्लिश, हियर यू सी वॉज यूज एज ए फिलर, आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, इट विल बी इन इंग्लिश, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ और कीपिंग मम, यू कैन यूज यू सी Have you read today's newspaper? You see, it's full of sensational news. Here, you see, was used as a filler. Iski aur koi bhi sense nahi thi. Next, by the way, ye filler phrase bhi aapko thoughts gather karne ke liye time deta hai. Baat shuru karne ke liye bhi aap is filler phrase ko use kar sakte hain. By the way, is it your car? अब यही क्वेश्चन इस फिलर फ्रेज के बिना बोलिए, इज इट योर कार, बाय द वे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, एक कनेक्ट बनता है लिसनर के साथ, आपकी कंटिन्यूटी बनती है कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट इज टू बी ऑनेस्ट, इस फिलर को जनरली उस समय यूज किया जाता है जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसका रिप्लाई करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो,
या फिर आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली गई जिसको देने में आप थोड़ा सा हेसिटेट कर रही हो, तो आप अपनी कन्वर्सेशन को टू बी ऑनेस्ट से स्टार्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन छिपा सकते हो, यानी गोलमोल जवाब देने के लिए इस इंग्लिश फिलर को यूज किया जा सकता है। व्हाट इज योर सैलरी? टू बी ऑनेस्ट, इट इज रिस्पेक्टेबल। व्हाट इज योर इनकम फ्रॉम योर बिजनेस? टू बी ऑनेस्ट, आई अर्न इनफ। यानी आप बात को गोलमोल कर गए, लेकिन बात को शुरू ऐसे ही किया था जैसे आप ईमानदारी से इंफॉर्मेशन दे दोगे। व्हाट इज योर वेट? टू बी ऑनेस्ट, आई एम वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट, एग्जैक्टली। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। एंड गुड लिसनिंग मीन्स गुड रिस्पॉन्स, नाइस रिस्पॉन्स। और उसके लिए कुछ फिलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो ताकि कन्वर्सेशन में दूसरा पर्सन कंफर्टेबल रहे और आपको भी बार बार यस यस यप यप हम्म हम्म यस यस यप हम्म ऐसा ना यूज करना पड़े। तो यहां पर आप फिलर वर्ड एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। दैट सेमिनार वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। एग्जैक्टली, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। एग्जैक्टली, फूड इज गुड। एग्जैक्टली, डू प्रैक्टिस इट, इट वर्क्स। एग्जैक्टली। एंड द नेक्स्ट इज नो वे। किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन पर जहां आपके लिए सरप्राइज भी हो, शॉक भी हो, आप यूज कर सकते हो नो वे। ये कैसे हो गया? ये तो हो ही नहीं सकता था। ही सोल्ड ऑल हिज एसेट्स। नो वे। ही स्टॉप्ड अटेंडिंग हिज ऑफिस। नो वे। नेक्स्ट, यू नो आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फ्रॉम टुडे। यहां पर यू नो एज ए फिलर फ्रेज यूज किया गया है, अपनी बात शुरू करने से पहले जो आपको थॉट सोचने के लिए टाइम चाहिए था वहां पर आपने यू नो बोल दिया। कोई भी बात शुरू करने से पहले, कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा गैप, छोटी सी एक टाइम का रिक्वायरमेंट है जहां पर आपने थॉट गैदर करना होता है, अपनी बात सोचनी होती है, वहां पर आप यू नो से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, बेसिकली आई एम गेटिंग मैरिड विद सीमा। She is very intelligent girl. Basically, she is from defense family. Basically is a gap filler here. Do try it. Basically, it helps. Certainly, certainly भी एक gap filler है जो response देने के लिए use किया जा सकता है। जब आपने use किया exactly, तो बार बार exactly ना use करते हुए बीच में कहीं कहीं certainly use किया जा सकता है। Okay, right. Exactly, certainly, got it? Certainly. Next, actually, सच पूछो तो मैं विस्की नहीं पीता। Actually, I don't drink. Next is believe me. Again, this is a very good gap filler. Believe me, I'll help you. Believe me, it was not me. Believe me, this food is very delicious. Next is come on. Oh, come on. Come on. Come on, come on, come on. You are very cute. Oh, come on. Your voice is very sexy. Oh, come on. Ek sharam si, ek muskan si. Next, by all means. Jab aapne sure, certainly, definitely use karna hai, to wahan par aap by all means use kar sakte hain. Yani ki har halat mein. Will you attend my marriage? By all means. यहां पर आप alternatively, of course, वो भी use कर सकते हो। ये तकरीबन similar gap fillers हैं, कुछ एक जैसे ही filler phrase हैं। Of course, by all means, certainly, definitely, oh sure. Next is, you mean to say, इस filler phrase का use थोड़ा tricky सा है। मेरी एडवाइस है कि इसको तब यूज करें जब आपसे कुछ पूछा गया हो और आपको आंसर देने के लिए सोचने में टाइम चाहिए हो, तो आप यू मीन टू से
इस फिलर फ्रेज को यूज करके उसके क्वेश्चन को ही रिपीट कर दें, रिफ्रेज करके. हे टीएस मदान, हाउ ओल्ड आर यू? यू मीन टू से व्हाट इज माय एज? वेल, आई हैव कंप्लीटेड 57 इयर्स इन नवंबर 2015. एंड नेक्स्ट, इनफैक्ट को एक्चुअली की जगह भी यूज किया जा सकता है या फिर बेसिकली को भी रिप्लेस कर सकते हो. अगर आप किसी लॉन्गर कन्वर्सेशन में हो तो एक ही गैप फिलर को बार बार यूज नहीं कीजिए. एक्चुअली आई डोंट ड्रिंक, इन फैक्ट आई डोंट रेलिश, बेसिकली माई फादर डजंट अलाउ मी. वेल, हाउ वॉज द वीडियो? डिड यू लाइक इट? इफ येस, क्लिक द लाइक बटन बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप